Good morning students, this is class 9, subject maths, chapter 1 हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा लो ओ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट्स होता क्या, पहले बात को समझते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब आप कोई भी नंबर लिख दीजिए ए टू पावर एम, ये आपने लिखा ए के ऊपर पावर एम लिखा हुआ है, तो आपको बस ये समझना है कि ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है वो आपका बेस है, ओके। और जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपके पास क्या है, पावर है। ये आपको बस समझना है, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज होती है ए टू पावर एम लिखना, ठीक है। ए टू पावर एम लिखने में अपन ने दो चीजें लिखी है, बेस और पावर लिखा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दू टू टू पावर फाइव लिखा, इसका मतलब क्या है कि इसका जो बेस है वो कितना है, इसका जो बेस है वो जो है टू और जो फाइव है वो क्या है, इसकी पावर है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए। तो ये तो है हमारा एक्सपोनेंट पावर, कैसे लिखते हैं हम इसको, बेस और ऊपर जो होती है वो पावर होती है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे कुछ रूल पढ़ रहे हैं, कुछ रूल के बारे में बातचीत करते हैं। रूल में लिखता होगी इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कुछ रिजल्ट आपके सामने लिखे हैं, उन रिजल्ट में लिखा हुआ मैंने ए टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए टू पावर एन और ए टू पावर एन लिखा हुआ। पहले ये रिजल्ट पढ़ते हैं ना, जब बेस इक्वल होते हैं और पावर अलग अलग होती है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक ही बार लिखते हैं, पावर को एड कर देते हैं। इस प्लस का मतलब ए करना है, ठीक है ना, एड। तो जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा आपके लिए, सेवन टू पावर थ्री और इसका मल्टीप्लाई है किसी के साथ में थ्री टू, या फिर दो सेवन टू पावर फाइव लिखिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सेवन टू पावर थ्री का मल्टीप्लाई किससे, सेवन टू पावर फाइव का। तो क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों का जो बेस है सेवन वो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। कोई दिक्कत नहीं, पावर डिफरेंट हो चुका मतलब नहीं, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि सर हमको बेस देखना है, क्या दोनों का बेस सेम है और दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, वैसे देखना है कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई है ना। तो हम बस यही चीज चेक कर रहे हैं कि भैया इनके बीच मल्टीप्लाई कैसे आएंगे, दोनों का बेस सेम है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, सेवन टू पावर थ्री प्लस फाइव, ये आ जाएगा सेवन टू पावर थ्री प्लस फाइव हो गया। इसका मतलब बस ये कह सकते हैं कि सेवन टू पावर एट, ये इसका आंसर है। अच्छा, सेवन टू पावर एट का मतलब क्या होता है, अगर ये पूछा जाए तो मतलब क्या होता है, सेवन टू पावर एट मतलब सेवन के टाइम मल्टीप्लाई एट टाइम, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट, ये होता है सेवन टू पावर एट का मतलब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये तो मेरा बेसिक सा पढ़ता है, जो फर्स्ट जो अपन ने लिखा है इसका रूल, ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल लूँ अगर आपके सामने, मैंने लिखा सेवन टू पावर थ्री इंटू सेवन टू पावर माइनस फाइव लिखा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब की बार मैंने जो पावर है वो माइनस में आ गई, तो क्या करना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एड करना है। एड क्या होता है, सेवन सेवन दोनों का बेस सेम है, पावर एड करनी है। पावर एड पर कैसे करते हैं, सेवन टू पावर थ्री प्लस पावर कितनी इसकी माइनस फाइव, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस फाइव, क्लियर है। हमने यहाँ पर माइनस फाइव लिखा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेवन थ्री माइनस फाइव, कितना पता है तुमको, प्लस माइनस माइनस होता है तो लिख दिया माइनस फाइव, मतलब थ्री में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेवन टू पावर माइनस टू। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, इसके लिए लिखे उस फर्स्ट रिजल्ट के लिए लिखा। आपको क्या करना है, पहले रिजल्ट लिखना है, फिर उसके दो एग्जाम्पल नोट डाउन करना, ठीक है, फिर सेकंड रिजल्ट लिखेंगे और फिर उसके दो तीन एग्जाम्पल नोट करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप से जो फर्स्ट पार्ट था आपके पास वो क्लियर हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट लिखा उसके बाद में दो एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लें, है ना। हम वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं सेकंड से करा लूंगा। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या कहता है मुझे, सेकंड वाला रिजल्ट क्या है, ए टू पावर एम और ब्रैकेट के बाद एन लगा हुआ है और इसको कर सकते हैं ए टू पावर एम इंटू एन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
टू टू पावर थ्री और ब्रैकेट में आके फोर लिखा हुआ ऐसे ठीक है ना, टू टू पावर थ्री और ब्रैकेट के बाद फोर, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे टू टू पावर थ्री इंटू फोर, ये ब्रैकेट लगा के साइड पे आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बात समझ में आ गई। तो 4 इंटू थ्री या 3 इंटू फोर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू पावर 12, इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल और दूं मैं आपको, 2 टू पावर 3 और मैंने यहाँ पे लिखा पावर में माइनस 4 लिखा है, इस बात को समझिएगा, अब की बार मैंने क्या लिखा पावर में माइनस 4 लिखा है तो आपको वही करना है 2 टू पावर 3 इंटू माइनस 4, क्लियर, हमें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, नंबर प्लस में या माइनस में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें मल्टीप्लाई करना है, मेन कंसेप्ट तो ये है कि मल्टीप्लाई कीजिए, टू टू पावर थ्री इंटू माइनस फोर नंबर प्लस का एक माइनस का प्लस माइनस का होता है माइनस आएगा तो हमारा आंसर आएगा टू टू पावर माइनस 12। तो ये इसके दो एग्जाम्पल अपन ने और की, किसके की अपन ने, ये रूल नंबर 2 के ऊपर बात की ठीक है। आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आया होगा ठीक है, रूल नंबर 2 लिखेंगे उसके दो एग्जाम्पल आपको लिखेंगे, फिर हम रूल नंबर 3 लिखेंगे और रूल नंबर 3 के भी दो एग्जाम्पल लेंगे, नोट डाउन।